बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो दूसरा अध्याय पढ़ाया जा रहा है और दूसरे अध्याय का मैंने आपको नाम बताया सिंधु घाटी सभ्यता की कला। इससे पहले जो आपको पढ़ाया गया अध्याय एक पढ़ाया गया, पहला पढ़ाया गया, उस अध्याय में पढ़ाया गया आपको प्रागैतिहासिक काल। मैंने आपको साधारण भाषा में बताया था प्रागैतिहासिक काल तो चित्रकला की दृष्टि से प्रारंभिक काल कहा जाता है और मूर्तिकला की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभिक काल कहा जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि चित्रकला का प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ और मूर्तिकला का प्रारंभ अपन कह सकते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया सिंध नदी घाटी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया और वैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जो कला अवशेष प्राप्त हुए हैं उन कला अवशेषों में मिट्टी के बर्तन कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तनों के अधिकता होने के कारण इसे मृत भांडों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मैंने आपको बताया कि इसका 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय निश्चित किया गया है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, किसी ने 2600 ईसा पूर्व से बताया, किसी ने कैसे बताया, किसी ने कैसे, लेकिन अपन 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक पढ़ रहे हैं। इसके दो प्रमुख केंद्र बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में दो नगर की सभ्यता या अवशेष प्राप्त हुए जिनमें एक का नाम मोहनजोदड़ो और एक का नाम हड़प्पा रहा है। ये दोनों केंद्र वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। इन दोनों की जो दोनों टीलों की जब खुदाई की गई थी तो इनमें एक इनके नगर व्यवस्था हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर की व्यवस्थाएं प्राप्त हुई, कला अवशेष प्राप्त हुए। मैंने आपको इसमें बताया कि लोहे धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुओं में यहाँ मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ, यहाँ हर धातु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों में कुछ खिलौने प्राप्त हुए, कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, कुछ पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, कुछ कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई और कुछ आभूषण प्राप्त हुए हैं। इस तरह के कुछ कला अवशेष प्राप्त हुए और कुछ यहाँ की जो नगर व्यवस्था है वो नगर व्यवस्था को देखा गया। तो अपन जिनमें पढ़ रहे हैं कि भाई जहाँ पर कांसे धातु को जो ढालने का प्रमुख व्यवस्था थी या कला थी वो उस कला में कौन सी विधि विकसित थी, मैंने आपको बताया था लुप्त मोम पद्धति के नाम से एक पद्धति विकसित थी। जिस लुप्त मोम पद्धति में मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यक्ति जो इतना विकसित था कि वह क्या करता था कि कांसे धातु को ढालने के लिए सर्वप्रथम मोम की मूर्ति बना लेता था और मोम की मूर्ति बनाने के बाद चिकनी मिट्टी के द्वारा उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप चढ़ा लेता था और लेप चढ़ाने के बाद ऊपरी सिरे पर एक छेद रख लेता था। उसके बाद जब वो मिट्टी सूख जाती तो सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता था और गर्म करने के बाद अंदर जो मोम था वो मोम पिघल जाता था और पिघलने के बाद छेद की तरफ से उसे बाहर निकाल दिया जाता था और बाहर निकलने के बाद ये कांसे धातु को पिघला कर और उसके अंदर डाल दिया जाता था और डालने के बाद जब वो कांसा धातु ठोस हो जाता था तो ठोस होने के बाद बाहर जो मिट्टी का आवरण है उस आवरण को तोड़ दिया जाता था और तोड़ने के बाद कांसे धातु की मूर्ति को प्राप्त करते थे। इस तरह की लुप्त मोम पद्धति में कांसे धातु को ढाला गया था। यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ पत्थर के मूर्ति शिल्प भी प्राप्त हुए, उन पत्थर के मूर्ति शिल्पों में मैंने आपको दो मूर्ति शिल्पों का नाम बताया है, एक तो ध्यानावस्थी साधु कह सकते हैं या दुसालावड़े योगी का मूर्ति शिल्प कह सकते हैं या दाढ़ी वाला योगी का या पुरुष का मूर्ति शिल्प कह सकते हैं। इसके अलावा एक नरधड़ भी प्राप्त हुआ था जो लाल बलवे पत्थर का था। तो जो दाढ़ी वाला योगी का मूर्ति शिल्प है वो सैल खड़ी मूर्ति शिल्प या सैल खड़ी पाषाण में बना हुआ मूर्ति शिल्प है, जिसकी व्याख्या यदि अपन करें तो साधारण सी व्याख्या है कि आप उसको चित्र को जब मूर्ति इसमें देखोगे किताब में तो देखने के बाद अपने आप ही कर दोगे कि इस तरह का बनाया गया है, जिसमें देखेंगे ना आप तो देखने पर पता चलेगा कि उसकी आँखें अर्ध उन्मूलित हैं और अर्ध उन्मिलित का तात्पर्य है कि आँखें कुछ आधी खुली हुई हैं और आधी बंद हैं, जैसे कि ध्यानावस्थित मुद्रा में जो होता है उस तरह के पुरुष के रूप में बनाया गया है, इसीलिए इसको ध्यानावस्थित का साधु का मूर्ति शिल्प भी कहते हैं। इसके अलावा इसके चेहरे पर मूंछों का अभाव है और दाढ़ी है, दाढ़ी में कंघी कर रखी है, इसलिए इसे दाढ़ी वाला योगी भी मूर्ति शिल्प कहा जाता है।
इसके अलावा इसके बाएं कंधे पर होकर एक दुशाला भी ओढ़ रखा है जो 3 पंखुड़ियों वाला पुष्पों से सुसज्जित है। तो इसे दुशाला ओढ़े योगी के मूर्ति शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार कांसे धातु में जो निर्मित मूर्ति शिल्प हैं उन मूर्ति शिल्पों में कलावशेष के रूप में एक लड़की का मूर्ति शिल्प हुआ है प्राप्त हुआ है जिसको कांसे की नर्तकी के नाम से भी जाना जाता है। अब कांसे की नर्तकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कांसे धातु में बनी हुई है और वो जो लड़की का मूर्ति शिल्प है उसकी मुद्रा इस प्रकार है जैसे कि वो नृत्य कर रही हो, क्योंकि उसका एक हाथ कमर पर रखा हुआ है और एक हाथ सिर पर रखा हुआ है तथा एक पैर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इस कारण उसकी मुद्रा के आधार पर उसे कांसे की नर्तक की मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपन ने देखा कि इसमें जो कलावशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों में मृद भांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। उन मिट्टी के बर्तनों में आगे चलकर आप देखेंगे कि कुछ हांडियां प्राप्त हुई हैं। हांडियों के अलावा भी कुछ इस तरह के बर्तन प्राप्त हुए हैं कि वो गोल हैं और गोल होने के बावजूद भी उसमें चारों तरफ जाली नुमा कटिंग कर रखी है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया विद्वानों ने कि शायद इस तरह के बर्तन का उपयोग किस लिए किया जाता था। किसी पेय पदार्थ को छानने की दृष्टि से इस तरह का कार्य किया जाता था। सीटी बजाने वाले बंदर, सीटियां और कुछ गाड़ियां, कुछ पक्षियों के मूर्ति शिल्प, इस तरह के यहाँ कलावशेष प्राप्त हुए हैं। उन कलावशेषों में कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई। मुद्राओं से तात्पर्य होता है मोहरें या सिक्के। अब ये मुद्राएं और मोहर जो बनाई गई हैं वो चौकोर बनाई गई हैं। इनके चौकोर बनाने के पीछे भी विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है कि कुछ लोगों का तो मानना है कि शायद ये मोहरें जो बनाई गई हैं वो मोहरें कोई जादू टोने टोटके व अंधविश्वास से संबंधित बनाई गई हैं, क्योंकि उन जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनके दो सिरों पर दो तरफ हुक प्राप्त हुए हैं। उन हुकों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि शायद उस समय का मनुष्य जादू टोने के तौर पर इसको जंतर के रूप में या तो गले में या भुजाओं में बांधकर रखता था। इसके अलावा कुछ लोग अपने मतलब विचारानुसार बताते हैं कि कोई व्यापारिक दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से इनको बनाया गया था। चौकोर बनाई गई है, इनके ऊपर कुछ आकृति पशु पक्षियों की आकृतियों को उभारा गया है, जो अंगूठी में जिस प्रकार उभार होता है उसी प्रकार के उभार के साथ बनाई गई है। एक या दो तीन लाइनों में कुछ शब्द भी लिखे गए हैं, लिपि भी लिखी गई है। इस तरह की चार मोहरें प्राप्त हुई हैं। उन मोहरों में मैं आपको नाम बता दूं, पशुपति की मोहर। पशुपति होता है, जैसे ये सींगों वाला एक योगी है उसको पशुपति वाली मोहर कहते हैं, पशुपति की मोहर। इसके अलावा पीपल वृक्ष की मोहर, एक मानव और दो बाघ वाली मोहर है, और एक वृषभ की मोहर है। वृषभ होता है एक बैल जिसके गले के नीचे बहुत लंबा और बड़ा कुकुद लटका होता है, खाल लटकी होती है, उसे कहते हैं वृषभ की वृषभ। इस तरह के कुछ मोहरें यहाँ प्राप्त हुई हैं। तो उन मोहरों के विषय में अपन पढ़ रहे हैं जो सैल खड़ी से बनी हुई हैं, पत्थर में बनी हुई हैं। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें मुद्राएँ मिली हैं यहाँ से, हजारों की संख्या में। लेकिन चार प्रमुख मोहरों के नाम मैंने आपको बताया, पशुपति की, पीपल वृक्ष की, एक मानव दो बाघ वाली और एक वृषभ की मोहर प्रमुख हैं, जो आमतौर पर सैल खड़ी और कभी कभी गोमेद चकमक पत्थर, तांबा, काश्य, मिट्टी से बनाई गई थी। इन चीज़ों से बनाई गई, सैल खड़ी पत्थर से, गोमेद पत्थर से, चकमक पत्थर से, तांबा, काश्य और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, मतलब उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगर उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था, मतलब कुछ लोगों ने अपना विचार किया है कि शायद ही अपने व्यवसाय की पहचान हेतु इस तरह की मोहरों को या मुद्राओं का निर्माण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी। मैंने आपको बताया कि इनका हो सकता है, कुछ लोगों का, विद्वानों का ऐसा भी मत है कि शायद उस समय का व्यक्ति इनको जादू टोने के विश्वास के आधार पर अपने गले या भुजाओं में बांध कर भी रखा जाता था, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी। अब यहाँ बताया कि उन व्यक्तियों की पहचान की जाती थी जबकि ये जादू टोने टोटके की वजह से शायद उनको पहना जाता था, क्योंकि उन भुजा वो जो मोहरे प्राप्त हुए हैं उनके दोनों साइडों में, दो साइड में, चार साइड में नहीं, दो साइडों में इस तरह के हुक प्राप्त हुए हैं और वो हुक्कों में शायद धागा वगैरह प्रयोग कर बांधा जाता था, पहना जाता था, ठीक है। बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी जिनमें उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी। जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं, हो सकता है पहचान के लिए भी वैसा धारण किया हो।
हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, अर्थात ये जो मुद्राएँ बनाई गई थी वो 2x2 इंच में बनाई गई थी, जो आमतौर पर सैलखड़ी से बनाई गई थी जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, मतलब प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक सिक्के पर, मोहर पर एक कोई लिपि लिखी जरूर होती थी, ठीक है भाई, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि उस समय की किस तरह की भाषा शैली थी उसे कोई अब तक पढ़ नहीं सका है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार, यानी कुबड़दार होता है, जैसे कुबड़ कहते हैं जिसको टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, उस तरह का कुबड़ निकली हुई सी बना हुआ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे, दैत्याकार जानवर बने होते थे। उनमें कहीं कहीं पेड़ों, मानवों की आकृतियाँ भी बनी पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कुछ पशु आकार बना रखे हैं, जिसको पशुपति की मोहर के नाम से जाना जाता है। जैसे ये मोहर हैं, ये से मोहर बनाई गई हैं इस तरह की, ये मिट्टी में बनी हुई है और कोई कोई तांबा में है या सैलखड़ी पाषाण से बनी हुई है, एक सींग वाली मोहर है और कई जानवर बने हुए हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा गया है। मैंने बताया आपको कि वो उसको एक सींग वाला योगी का जैसा मूर्तिशील बनाया गया है और जिसको चारों तरफ से पशु आकृतियों से घिरा हुआ बनाया गया है, इसलिए उसे पशुपति की मोहर के नाम से भी जानते हैं। उस जिसका आकार है 1/2 इंच से 2 इंच तक की वर्गाकार आयताकार रूप में बना हुआ है, जबकि कुछ अन्य ऐसे इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उसे देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिने ओर एक हाथी और एक बाघ शेर है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा भैंसा दिखाया गया है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 12 सिंग हैं। इस तरह की मुद्राएँ 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक की मानी जाती हैं, ऐसी की हैं। और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। मैंने आपको बताया कि इन मोहरों पर क्या बना रखे हैं, पशु आकृति और मानव आकृति बना रखी हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियाँ टैबलेट पाई गई हैं, मतलब क्या बनाई गई हैं, तांबे की वर्गाकार पट्टियाँ भी पाई गई हैं, ठीक है, जिनमें एक और मानव आकृति और दूसरी और कोई अभिलेख अथवा दोनों और ही कोई अभिलेख है। अर्थात जैसे अपने रुपए होते हैं, रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का सिक्का, इस तरह के एक तरफ मानव आकृति या पशु आकृति बना रखा है, कुछ तरफ कुछ अभिलेख भी लिखा हुआ मिला है। इन पट्टियों पर आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार यानी छेनी, जैसे अपन जिसको टांकी कहते हैं, उसके द्वारा शायद उभारा गया है, से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख इन पशुओं से ही संबंध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। इस प्रकार के यहाँ से क्या प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। उन मोहरों में मैंने आपको बताया चौकोर या वर्गाकार आकार में प्राप्त हुई थी, और वो मोहरों को विद्वानों ने अनुमान लगाया कि वो मोहरों का प्रचलन शायद कोई वाणिज्यिक, मतलब व्यवसाय की दृष्टि से भी हो सकता है, पहचान की दृष्टि से भी हो सकता है, या कुछ लोग व्यक्तियों की पहचान की दृष्टि से भी भुजाओं में पहना करते थे। ये सभी धातुओं में बने गए थे, सैल खड़ी में बनाया गया, तांबे में बनाया गया और पीतल में बनाई गई है, कांसे धातु जैसे भी मिट्टी में भी बनाई गई थी, ठीक है भाई। इनमें जो उभार दिया गया वो उभार इस तरह किया गया, जैसे स्वर्ण आभूषणों में अंगूठी होती है, उस अंगूठी की जो डिजाइन होती है उस डिजाइन के समान उभार देकर कुछ तो लिपि भी लिखी गई है और कुछ आकृतियों में पशु आकार या मनुष्य आकृतियों को बनाया गया है। इस प्रकार अपन ने यहाँ से प्राप्त मोहरों के विषय में पढ़ा जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मृदभांड। मृदभांड से तात्पर्य है मिट्टी के बर्तन। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृद भांडों, मिट्टी के बर्तनों की सकल सूरत तथा उनके बनाने की शैलियों में हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। अर्थात यहाँ पर जो बनाए गए जो अवशेष प्राप्त हुए हैं
उन अवशेषों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं किस तरह के बनाए गए थे। जैसे ये किस तरह का अवशेष प्राप्त हुआ है, ये गोल है और गोल होने के साथ साथ ये नीचे अंदर से गहरा है और गहरा होने के साथ साथ इसमें चारों तरफ इस तरह के छेद बनाए गए हैं। इन छेदों से अनुमान लगाया जाता है छिद्रित बर्तन से कि शायद उस समय किसी पेय पदार्थ को छानने की दृष्टि से ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता था। हो सकता है उस समय इतना ही विकसित मनुष्य था कि वो छन्नी के रूप में इसका उपयोग करता था। घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, अर्थात चाक पर बनाए गए बर्तनों की संख्या अधिक मिली है, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक, रंग के वे कम हैं और सादे अधिक हैं, और अगर रंग भी कर रखा है तो गेरुए रंग के द्वारा इनको पोत रखा है। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं, इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या सलेटी लेप लगी है। मैंने बताया आपको गेरुआ पत्थर जैसे इंडियन रेड कहते हैं उसके द्वारा लेप कर दिया गया है कुछ पर। कुछ घुंडीदार पात्र हैं, घुंडी का मतलब इस तरह से जाली जैसे बनाया गया है जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, काले रंग के जो बर्तन हैं उन पर लाल रंग की लेप की गई है, मतलब पकाने पर हो सकता है वो काले हो गए और उनके बाद उनके ऊपर लाल रंग की लेप कर दी गई, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं, क्योंकि उस समय का इतनी विकसित अवस्था थी कि वो तो ज्यामितीय आकार या पशुओं की आकृतियों को ही बनाते थे। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं, मतलब बहुत सारे रंगों में कम प्राप्त हुए हैं ऐसे मृदभांड मिट्टी के बर्तन। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। ये खनिज रंग है मिट्टी के, अर्थात पत्थर के रंग है, इन पत्थर के रंगों का ही उपयोग किया था। उत्कीर्णित बर्तन, उत्कीर्णित का मतलब होता है खुदाई की गई या खरोंचा गया बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पर्दे पर यानी पेंदे पर, मतलब जो उत्कीर्णन का कार्य किया गया है, मतलब खुदाई का कार्य गया है, वो उनके पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्त्रियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, मतलब बहुत ही कम मिले हैं, और मतलब ये चाक वाले बर्तन अधिक मिले हैं जो कुम्हार के चाक पर बनाए जाते हैं, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इनसे भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। इस तरह के कला अवशेष देखिए कितने सुंदर और गोलाई युक्त और मतलब डिजाइनों से सुसज्जित मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिनको मृद भांडों के नाम से जाना जाता है। इस तरह के मृद भांड सिंधु घाटी सभ्यता के कला अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आते हैं अपन मृद, अपन ने मूर्तियां शिल्प पढ़े, मूर्ति शिल्प के बाद अपन ने खिलौने मोहरें पढ़ी, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आभूषण। तो आभूषणों में किस तरह के आभूषण प्राप्त हुए, मैं आपको बता दूं अभी आभूषण पढ़ने से पूर्व में कि यहाँ शायद परिवार हैं वो परिवार समूह में और कंबाइंड सामूहिक परिवार रहा करते थे। उन परिवारों मतलब परिवारों के जीविकोपार्जन के कुछ कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। उन कारखानों में हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाने के कारखाने, मतलब पत्थर की चूड़ियाँ बनाने के कारखाने, इस तरह के मणियाँ बनाने के कारखाने, इस तरह के कारखाने प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा वो आभूषण बनाए जाते थे। इस समय का मनुष्य शायद अपने आप को सजाने की दृष्टि से उन आभूषणों को धारण किया करता था। तो चलो आज इतना ही, और उसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन आभूषणों के विषय में पढ़ेंगे। तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्राप्त कला अवशेष पढ़ रहे हैं। उन अवशेषों में अपन ने दो केंद्रों को नाम लिया आपको, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, उनके अलावा गुजरात में लोथल, पंजाब में रोपण, राजस्थान में कालीबंगा आदि क्षेत्रों से भी कुछ कला अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आपको अवशेषों में मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद।